ऑलराइट, वीकली फॉरेक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज है संडे 28 मई 2023। हम बात करेंगे 29 मई से 2 जून तक क्या हो सकता है फॉरेक्स मार्केट का हाल। इसके लिए हमने 6 मेजर करेंसी पेयर यहाँ पर पिक करे हैं, यूरो यूएसडी, पाउंड डॉलर, एयूडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एनजीडी यूएसडी और यूएसडी कैड। और एनालिसिस के लिए हमने यहाँ पर केवल प्राइस एक्शन पर बात करेंगे और एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। उससे पहले हमेशा की तरह आप forexfactory.com पर जाइए फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, और यहाँ पर इकोनॉमिक कैलेंडर पर अपडेट सेलेक्ट कर लीजिए, यानी पूरा वीक सेलेक्ट कर लीजिए 29 से जून 2 तक। देन अप्लाई सेटिंग्स, और नेक्स्ट वीक में जो भी मेजर न्यूज हैं आपके सामने जो रेड में शो कर रही हैं, इस टाइम पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, या फिर अगर आपका न्यूज ट्रेडिंग का ही अप्रोच है तो आप कुल मिला के ध्यान रखें इन मेजर न्यूज को। चलिए तो बात करते हैं एनालिसिस की। सबसे पहले हमारे पास है यूरो यूएसडी। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो ये अप ट्रेंड में है, प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। अभी फिलहाल रिसेंट हाई यहाँ पर है और पिछला जो लो है यहाँ पर है। 4 आवर्स में हमारे पास डाउन ट्रेंड है जिसको हम इंटरनल ट्रेंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या कोई ऐसा क्लू दिख रहा है कि जिससे ट्रेंड रिवर्सल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम में यानी 4 आवर्स में हमारे पास कंटिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं। इसका मतलब कोई भी ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं कहाँ से हमें मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम में एक बार चल के हम एक एरिया जो कॉन्फ्लुएंस एरिया है उसको एक बार हम चेक करते हैं। कुछ ये एक जोन है जहां पर प्राइस रिजेक्ट हो सकता है या फिर यहां से एक पुल बैक आ सकता है अपवर्ड। तो प्राइस वहां पर है अभी, और 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहा है। जिस तरह से मूव यहां पर प्राइस कर रहा था उसके कंपेरिजन में आप देखेंगे तो यहां पर कंसोलिडेशन पे अब यहाँ पर प्राइस आ चुका है, और अगले कुछ समय के लिए हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करे या फिर कोई लॉन्ग विक्स यहाँ पर बनाए। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा अपवर्ड मूव। अब वो कितना अपवर्ड जाएगा, क्या वो ट्रेंड पूरा बदल सकता है, इसके बारे में अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कम्प्लीटली, क्योंकि मार्केट में प्राइस जिस तरफ मूव हो रहा है हमें उस तरफ जाना होता है। तो कोई भी ट्रेंड बदल सकता है। अभी फिलहाल जो अप ट्रेंड डेली में है वो आने वाले समय में हो सकता है कि जो पिछला लो था उसको तोड़ के हमारा ट्रेंड रिवर्स हो जाए, लेकिन अभी तक के लिए जब तक प्राइस डेली टाइम फ्रेम में इस लेवल तक रिस्पेक्ट कर रहा है और इससे नीचे क्लोज नहीं होता तब तक हमारे लिए ये अप ट्रेंड है। चाहे यहां तक भी प्राइस अगर आता है तो हम उसके बाद भी बाय की सोच सकते हैं यहां से, लेकिन क्या ये बाय की एंट्री का टाइम है उसके लिए हमें एंट्री का समय छोटे टाइम फ्रेम में निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम 4 आवर्स या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे। यानी यहाँ पर अभी फिलहाल देखिए प्राइस लगातार पिछले लो को ब्रेक करके नीचे मूव कर रहा है। अभी फिलहाल रीसेंट जो लो है वो ये है, और हाई हमारे पास जो रीसेंट है वो ये है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अगर प्राइस यहाँ से अपवर्ड लिफ्ट करता है और कोई कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, यहाँ कहीं क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद हमारे पास फिर चांसेस हैं कि प्राइस जो है हायर हाई बनाना स्टार्ट करे, लेकिन अभी तक ये डाउन ट्रेंड चल रहा है 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो हम वेट करेंगे कुछ समय का, क्योंकि प्राइस एक ऐसे जोन में है जहां पर कंसोलिडेशन बड़ा हो सकता है एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहां पर एकदम से हम सेल या बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो हमें वेट करना होगा या तो इसको टूटने का, यहां से फिर हम बाय की तरफ सोच सकते हैं एक प्रॉपर पुल बैक आने के बाद, या फिर अभी सेलिंग के लिए मैं बोलूंगा कि आप ना ही देखें, क्योंकि प्राइस जिस लेवल पर आ चुका है वहां पर सेल का ज्यादा स्कोप है नहीं, ठीक है। तो ये रहा यूरो यूएसडी का हाल। अब बात करते हैं पाउंड डॉलर की। पाउंड डॉलर पर भी डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास प्राइस अप ट्रेंड में है, और 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो अभी फिलहाल एक इंटरनल डाउनवर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें कंटिन्यूसली हमारे पास लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं, और एक ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं प्राइस सपोर्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम जाके देखते हैं, हमारे पास ये हाई है और ये लो है, ठीक है। अभी चांसेस ये हैं कि प्राइस एक बार और पुल बैक यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। अगर ऐसा नहीं होता है, इस हाई को तोड़ देता है, तो फिर चांसेस ये हो सकते हैं कि आने वाले कुछ समय के लिए प्राइस अपवर्ड मूव कर सकता है, भले ही नेक्स्ट लेवल ये हो, लेकिन एक डायरेक्शन मिल सकता है छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने का। अगर 4 आवर्स के हिसाब से देखें तो अभी तक कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें नहीं देखने को मिला है। 4 आवर्स में अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखना है तो अभी फिलहाल के लिए
एक लेवल है, इससे ऊपर प्राइस क्लोज हो और इससे नीचे प्राइस क्लोज हो, कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड डिसाइड करेगा। अभी प्राइस वैसे डाउन ट्रेंड में है, हम सेल की सोचेंगे, लेकिन सेल का जोन जो है यहाँ पर हम इसको नहीं मान सकते क्योंकि ये मिड में है। हमें डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, या तो हमें बाय सोचना है, तो प्राइस अगर ये अपवर्ड मूव हो जाता है उसके बाद अगर डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है तो हम बाय की तरफ सोच सकते हैं। वहीं अगर हमें सेल की तरफ सोचना है तो यहाँ पर हमें एक एक्सटेंडेड जोन में प्राइस को आने के बाद अगर हमें यहाँ पर मिलता है कोई लॉन्ग वेक रिजेक्शन तो हम सेल की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल डाउन ट्रेंड है, जब तक कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी इससे ऊपर प्राइस क्लोज नहीं होता हम सेल की तरफ सोचेंगे। ऑजी डॉलर पर भी अभी फिलहाल 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में या फिर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से डाउन ट्रेंड चल रहा है और हमारे पास अभी एक्सटेंडेड है 4 आवर्स के हिसाब से प्राइस, और यहाँ से हमें एक चाहिए पुल बैक अगर हमें एंट्री बनानी है। ये एक एरिया हो सकता है पहला, क्योंकि इस जोन से कहीं ना कहीं प्राइस रिजेक्ट हो सकता है आने वाले समय में, तो हम वेट करेंगे पुल बैक का। अगर प्राइस इस लेवल तक आता है तो यहां से हम एक लॉन्ग विक रिजेक्शन अगर मिलता है, यहां पर कोई सेलिंग प्रेशर दिखता है इस एरिया में, तो यहां से हम सेल की तरफ देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी एक्सटेंडेड मार्केट है तो हमें वेट करना होगा एक पुल बैक का। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर यूएसडी जेपीवाई। हमें पता है ये पेयर रिवर्स चलता है यूरो यूएसडी से, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये लेवल है और लास्ट वीक में आप देख सकते हैं बहुत बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बाइंग के लिए अब यहाँ पर भी अगेन हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए होगा और एक प्रॉपर पुल बैक मिलने के बाद हम यहाँ पर जो है बाई की एंट्री बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक जोन तक प्राइस को आने का वेट करना होगा। ये एक जोन है, अगर प्राइस डिस्काउंट लेके इस जोन पे या फिर इस एरिया पे, इस जोन पे आता है और यहाँ से कोई एक अपवर्ड लिफ्ट करता हुआ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो यहाँ से हम अपवर्ड देख सकते हैं और ऑल द वे यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। लेकिन पहले पुल बैक का वेट करना होगा। यहाँ पर एंट्री बनाना अभी फिलहाल रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड नहीं होगा। नाउ बात करते हैं एनजीडी यूएसडी। अगेन ऑजी डॉलर की तरह एनजीडी यूएसडी डाउन ट्रेंड में है और डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं इस लेवल को ब्रेक करके नीचे प्राइस क्लोज हुआ है और अगेन यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है ट्रेडिंग की और वो यहाँ पर इस तरह से बन सकती है इस लेवल के आसपास। ये जो लाइन आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल, इस लाइन के आसपास तक हमें पुल बैक मिले ये पहला लेवल होगा 4 आवर्स में। एक बार देख लेते हैं इसको हम। जी हाँ, ये पहला लेवल है जहां पर हमें पुल बैक चाहिए। और दूसरा लेवल आप देख सकते हैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन हो सकती है कुछ इस तरह से, या फिर प्राइस ऑल द वे अप इस लेवल तक भी आ सकता है। तो ये जितना भी ऊपर आ रहा है ये डिस्काउंटेड प्राइस होगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड के लिए आप अगर पुल बैक में एंट्री बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन जिस तरह का पैटर्न अभी यहाँ पर कैंडलस्टिक बना रही है, एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है और जिस तरह से एक हैवी मोमेंटम के साथ प्राइस जो है ब्रेक कर रहा है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन लास्ट डे में एक विक दिख रही है आपको जो इंडिकेशन दे रही है कि आने वाले समय में एक पुल बैक आ सकता है और हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस मिल सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक। यहाँ पर अगर आपको सेल का सिग्नल मिल रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटे में या फिर 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से, देन आप इस लेवल पर जो है सेल कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास। अब बात करते हैं आखिरी करेंसी पेयर जो है यूएसडी कैड। डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो यहां पर फिलहाल ये एक जोन है जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। और यहाँ पर प्राइस बहुत बार अटेम्प्ट कर चुका है कि डाउनवर्ड पुश करे लेकिन फेल होके वापस अपवर्ड लिफ्ट कर रहा है प्राइस। आप देख सकते हैं इस एरिया को प्राइस ने लगभग 4 या 5 बार टेस्ट करा हुआ है। फिलहाल जब तक प्राइस इस एरिया में है, यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा है कुछ इस तरह का,
जब तक प्राइस इस एरिया में कंसोलिडेट हो रहा है तब तक के लिए ये ट्रेडिंग जोन में नहीं है और आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस इन एरियाज को, यानी इस जो वेज पैटर्न है, इस पैटर्न को अगर तोड़ता है किसी भी डायरेक्शन में और उसके बाद रिटेस्ट करता है और देन हमें एक बाइंग या सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, उसके बाद हम बाय या सेल की तरफ देख सकते हैं। सो गाइज, ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस आने वाले वीक का। वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा क्लू समझ आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम ब्रदर्स।